हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शर्मा ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ जल निकास ड्रेनेज, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेनेज, सिस्टम ऑफ ड्रेनेज, देन मेथड्स ऑफ ड्रेनेज, जल निकास की विधियों के बारे में, देन लास्ट में आपको बताऊंगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्रेनेज कोएफिशिएंट, जिसे हम कहते हैं जल निकास गुणांक। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जल निकास। जल निकास में क्या है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद रखना है कि जल निकास होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलेंगे, इससे दो चीज क्लियर हो जाएगा, एक तो इसका इंपॉर्टेंस, दूसरा ये डेफिनेशन, और साथ ही साथ हम चलेंगे कि पीएटी एग्जाम में भी किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 12th एग्रीकल्चर चैप्टर 1 पे भी है। ये मैंने एक फील्ड तैयार किया, खेत तैयार किया, क्योंकि खेतों में ही पानी दिया जाता है, खेतों से पानी को बाहर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शर्मा ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ जल निकास ड्रेनेज, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेनेज, सिस्टम ऑफ ड्रेनेज, देन मेथड्स ऑफ ड्रेनेज, जल निकास की विधियों के बारे में, लास्ट में आपको बताऊंगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्रेनेज कोएफिशिएंट, जिसे हम कहते हैं जल निकास गुणांक। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जल निकास। जल निकास में क्या है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद रखना है कि जल निकास होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलेंगे, इससे दो चीज क्लियर हो जाएगा, एक तो इसका इंपॉर्टेंस, दूसरा ये डेफिनेशन, और साथ ही साथ हम चलेंगे कि पीएटी एग्जाम में भी किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 12th एग्रीकल्चर चैप्टर 1 पे भी है। ये मैंने एक फील्ड तैयार किया, खेत तैयार किया, क्योंकि खेतों में ही पानी दिया जाता है, खेतों से ही पानी को बाहर निकाला जाता है। खेत तैयार करने के बाद खेत में मैंने तैयार कर दिया, ये क्या पौधा, क्या तैयार हो गया पौधा। पौधे में यदि हम डेफिनेशन को समझिएगा, दो डेफिनेशन साथ में लेकर चलेंगे। यदि हम किसी भी पौधे को पानी देते हैं, तो किसी भी पौधे को पानी इसलिए दिया जाता है बेटा, ताकि पौधे का क्या हो, वृद्धि एवं विकास हो। पौधे का क्या हो, वृद्धि एवं विकास हो। तो सबसे पहले सिंचाई का डेफिनेशन देखते हैं, जस्ट अपोजिट फिर तैयार करेंगे। क्या होता है, बरसात के दिनों में पानी ना गिरने की सिचुएशन पे जब रेनफॉल नहीं होता है, तो हमारे किसान भाई ट्यूबवेल से पानी देते हैं। तो किसी भी खेत में ट्यूबवेल से पानी देना, कृत्रिम रूप से क्या देना, जल देना, एक सिंचाई का डेफिनेशन तैयार करते हैं। किस तरीके से आसानी से किसी डेफिनेशन को तैयार किया जा सकता है, ये आपको समझना है। तो पौधे के उचित वृद्धि एवं विकास के लिए, क्लियर, पौधे के उचित वृद्धि एवं विकास के लिए खेतों में कृत्रिम रूप से जल देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द फील्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड इरिगेशन। अब क्या होता है, हमारे किसान भाई जैसे खेतों में पानी देते हैं, तो पानी देने के बाद उसी रात अचानक से क्या हो जाता है, वर्षा हो जाता है, अचानक से रेनफॉल होने की वजह से स्प्रिंग हो जाता है, एक्सेस वाटर अतिरिक्त हो जाता है, खेत बिल्कुल एक्सेस वाटर से भरा हुआ रहता है। तो यहां पर डेफिनेशन किस तरीके से बनेगा, इस अतिरिक्त जल को एक्सेस वाटर, अतिरिक्त जल को बाहर निकालना, ठीक क्या कहलाएगा, जल निकास कहलाएगा। तो बहुत ही प्यारा डेफिनेशन, तीन में तीन नंबर आपको मिलेगा, पौधे के उचित वृद्धि विकास के लिए। क्लियर है, पौधे के उचित वृद्धि एवं विकास के लिए खेतों से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, जल निकास। ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड ड्रेनेज। क्लियर हुआ? यदि हम इंपॉर्टेंस की बात करें, तो इंपॉर्टेंस को हम यहीं से तैयार कर सकते हैं। जैसे देखिए, यदि खेत में अतिरिक्त जल भरा हुआ है, खेत में अतिरिक्त जल क्या है, भरा हुआ है, तो एक्सेस वाटर यदि इस फील्ड पे है, तो क्या ये सनलाइट जो है, सूर्य का प्रकाश, ये खेत में मिट्टी में मृदा में डायरेक्ट पहुंच पाएगा क्या, नहीं। तो जल निकास का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा,
मृदा तापक्रम को बनाए रखना, मृदा तापक्रम को बनाए रखना, मृदा तापक्रम को बनाए रखना। नेक्स्ट पॉइंट, यदि बहुत ही ज्यादा टाइम से यदि वहां पे खेतों में पानी भरा रहता है, तो खेतों में पानी भरा रहेगा तो मृदा क्या हो जाएगा, दलदली हो जाएगा। तो मृदा को दलदली होने से क्या करना, बचाना, मतलब टू प्रिवेंट मर्सी कंडीशन ऑफ दिस सॉइल, मृदा को दलदली होने से क्या करना, बचाना। यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रॉपर एरेशन न होने की वजह से यदि हम जल निकास करेंगे तो मृदा में उचित वायु संचार को बनाए रखा जा सकता है। ठीक, अब क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा समय तक पानी भरा होने की वजह से मृदा में जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका क्रियाशीलता रुक जाता है, लेकिन एक्सेस वाटर को जैसे खेत से हम रिमूव करते हैं तो मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को बनाए रखा जा सकता है। ठीक, जैसे हम धान की फसल को लगाते हैं और धान की फसल को लगाने के बाद हमें रबी के सीजन में गेहूं का फसल लगाना है, यदि खेत में पानी भरा रहेगा तो रबी सीजन में हम किसी भी फसल को आसानी से नहीं लगा पाएंगे। तो हम नेक्स्ट हम पॉइंट क्या बोल सकते हैं, एक्सेस वाटर को रिमूव करेंगे तो कृषि प्रक्रियाओं को समय पर करना, कृषि प्रक्रियाओं को समय पर करना, मतलब कोई भी टाइमली एग्रीकल्चर प्रोसेस या फिर ठीक है, मतलब उचित समय पर कृषि प्रक्रियाओं को किया जा सकता है। यदि शॉर्ट तरीके से देखें तो हमको समझ में आ गया है कि जल निकास से क्या है, मृदा तापक्रम को बनाए रखना तो मेंटेन सॉइल टेम्परेचर, मृदा वायु संचार को बनाए रखना तो मेंटेन सॉइल एरेशन, मृदा को दलदली होने से बचाना टू प्रिवेंट मर्सी कंडीशन ऑफ द सॉइल, देन मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को बनाए रखना ठीक है, टू मेंटेन माइक्रोबियल एक्टिविटीज इन द सॉइल, टाइमली टिलेज प्रोसेस या फिर टाइमली एग्रीकल्चर प्रोसेस। तो ये रहा इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेनेज। यदि डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो जस्ट इससे उल्टा आप कर सकते हैं, अपोजिट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जल निकास के बारे में जैसे ही हम पढ़ते हैं, इसके बाद सिस्टम ऑफ ड्रेनेज जल निकास की प्रणालियां, यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा गया कि जल निकास की कितने प्रणाली, सिस्टम ऑफ ड्रेनेज, तो जल निकास की प्रणाली की बात करेंगे तो कितना प्रणाली है, तीन प्रणाली। यहां पे बिल्कुल आपको डायग्राम दिख रहा होगा, बहुत ही इजी इंफॉर्मेशन तैयार होगा। सबसे फर्स्ट नंबर पे है प्राकृतिक प्रणाली जिसे हम कहते हैं विजुअल सिस्टम, सेकेंड नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है हेलिकॉन सिस्टम, हेलिकॉन प्रणाली, थर्ड नंबर पे दिखाई दे रहा है गेडिरोन, गेडिरोन सिस्टम। देखिए बहुत ही प्यारा डेफिनेशन बनने वाला है, ये क्या है, ढलान की दिशा है, ये नेचुरल पॉइंट पे आपको दिखाई दे रहा है। डेफिनेशन क्या बनेगा, क्या बनेगा कि जब किसी भी प्रक्षेत्र, जब किसी भी प्रक्षेत्र से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने के लिए मुख्य जल निकास नाली को ढलान की दिशा में तैयार किया जाता है। क्लियर हुआ, जब किसी भी प्रक्षेत्र से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने के लिए मुख्य नाली को ढलान की दिशा में तैयार किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रणाली। क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट हेरिंग बोन, यहां पे देख रहा होगा सेंटर मिड ऑफ द फील्ड, खेत के मुख्य नाली जो मेन कैनाल है वहां पर बना है खेत के बीचों बीच। तो जब किसी भी प्रक्षेत्र से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने के लिए मुख्य नाली का निर्माण खेत के बीचों बीच किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, हेरिंग बोन। जब किसी भी प्रक्षेत्र में अतिरिक्त जल को बाहर निकालने के लिए मुख्य नालियों का निर्माण खेत के बीचों बीच किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, हेरिंग बोन। सीजीपीएटी की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ पीएटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि जल निकास की वह कौन सी प्रणाली है जो सर्वाधिक प्रचलित है, तो सबसे ज्यादा प्रचलित जो जल निकास की प्रणाली है वो कौन सा है, हेरिंग बोन। क्लियर, लास्ट हम बात करेंगे लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड, जब किसी भी प्रक्षेत्र में, जब किसी भी फील्ड में अतिरिक्त जल को बाहर निकालने के लिए मुख्य जल निकास की नाली को खेत के निचले हिस्सों पर तैयार किया जाता है, खेत के निचले हिस्सों पर तैयार किया जाता है तब उस प्रणाली को क्या कहते हैं, गेडिरोन। क्लियर हुआ, तीन डेफिनेशन, जब किसी भी प्रक्षेत्र से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने के लिए ढलान की दिशा में मुख्य नाली को बनाते हैं तो प्राकृतिक प्रणाली, जब किसी भी प्रक्षेत्र से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने के लिए मुख्य नाली को खेत के बीचों बीच तैयार किया जाता है तब उसे कहते हैं क्या, हेरिंग बोन। अतिरिक्त जल को बाहर निकालने के लिए
मुख्य नालियों का निर्माण खेत के निचले हिस्सों में किया जाता है, तब उसे कहते हैं क्या? गिल्टी। क्लियर। तो ये है जल निकास की प्रणाली, जिसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ ड्रेनेज। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे मेथड्स ऑफ ड्रेनेज, जल निकास की विधि। जल निकास की विधि में यदि हम छत्तीसगढ़ पीएटी एग्जाम की बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी प्रक्षेत्र से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने के लिए जल निकास के लिए क्या चीज आवश्यक है। तो जल निकास के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है वो है भूमिगत ढलान। मतलब किसी भी प्रक्षेत्र से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने के लिए भूमि के ढलान का होना अत्यंत आवश्यक है, स्लोप ऑफ द लैंड या स्लोप ऑफ द फील्ड। क्लियर। मेथड्स ऑफ ड्रेनेज में दो विधि है, एक है सतह विधि, दूसरा है अधोसतह, सरफेस मेथड एंड सब सरफेस मेथड। यदि सरफेस मेथड की बात करें तो बात याद रखिएगा, यहां पे जो नाली तैयार किया जाता है वो 15 सेंटीमीटर गहराई पे होता है। अधोसतह की बात करें, सब सरफेस की बात करें, तो सब सरफेस पे जो नाली तैयार होता है वो 60 से 90 सेंटीमीटर की गहराई पर होता है। यदि 12वीं पुस्तक की बात करें तो 12th एग्रीकल्चर की पुस्तक में लिखा है 90 से 180 सेंटीमीटर। कितना लिखा है? 90 से 180 सेंटीमीटर। ठीक, आइए देखते हैं डेफिनेशन। सतह, तो भूमि की ऊपरी सतह से, जैसे कोई भी फ्लड है अपर सरफेस, तो भूमि के ऊपरी सतह पर 15 सेंटीमीटर गहरी नाली तैयार करके, 15 सेंटीमीटर गहरी नाली तैयार करके अतिरिक्त जल को बाहर निकालना ही क्या कहलाएगा? सतह। समझ में है? जब किसी भी प्रक्षेत्र पर या फिर जब किसी भी खेत पर 15 सेंटीमीटर गहरी नाली तैयार करके अतिरिक्त जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया कौन सी विधि होगा? सतह। आइए देखते हैं सब सरफेस। जब किसी भी प्रक्षेत्र में भूमि के नीचे 60 से 90 सेंटीमीटर गहरी पाइपलाइन या फिर नाली तैयार करके अतिरिक्त जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? अधोसतह। पीएटी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे बनता है, अधोसतह सब सरफेस विधि का प्रयोग कहां किया जाता है? जिस क्षेत्र में भूमि का ढलान, जिस क्षेत्र में भूमि का ढलान 1.5% से अधिक होता है, मतलब लैंड स्लोप मोर देन 1.5%, तो जहां पे भूमि का ढलान 1.5% से अधिक होता है वहां पे अधोसतह सब सरफेस ड्रेनेज मेथड का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको पीएटी का लोकेशन बताऊं, सतह जल निकास विधि में सरफेस ड्रेनेज मेथड में जल निकास नालियों का निर्माण कितने सेंटीमीटर गहराई पर किया जाता है? 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, सब सरफेस ड्रेनेज मेथड अधो सतह जल निकास विधि में नालियों की गहराई कितना रखा जाता है? तो 60 से 90 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ यहां तक? ओके। सतह सिंचाई विधि की बात करेंगे तो 3 विधियों के बारे में मुख्य रूप से पढ़ते हैं। 12th एग्रीकल्चर की बात करें तो 4 विधियों का वर्णन मिलता है वहां पे। स्थायी विधि, देखिए जितना 20 में कंसेप्ट लिखा है वो सेम टू सेम रहेगा, बाकी ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप सड़क के किनारे देखे होंगे, हमेशा वहां पे पानी भरा रहता है, तो सड़क के किनारे आप देखना हमेशा सीमेंट या कॉन्क्रीट का बना हुआ आपको ड्रेनेज ड्रेन ऑफ कैनाल आपको आपको दिखाई देगा। तो वहां पे क्या क्या समझे आप कि जहां पर हमेशा जल भराव की समस्या पाई जाती है, तो जिस स्थान पर हमेशा जल भराव की समस्या पाई जाती है, तो जहां पर हमेशा जल भराव की समस्या पाई जाती है वहां पे किस प्रकार की नालियों का निर्माण किया जाता है? स्थानीय। डेफिनेशन भी क्लियर है। जब किसी भी प्रक्षेत्र में हमेशा जल भराव की समस्या पाई जाती है, वाटर लॉक्ड कंडीशन पाया जाता है, वहां पे हमेशा स्थायी नालियों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अचानक से जल भराव की स्थिति। अचानक से जल भराव की स्थिति यहां पे क्या समझेंगे? जैसे क्या होता है, हमारे किसान भाई तुरंत सिंचाई करते हैं, इरिगेट करते हैं, लेकिन अचानक से पानी गिर जाने की वजह से वहां पे एक्सेस वाटर हो जाता है, तो तुरंत खेतों से मेड़ को कट करके खेतों से एक्सेस वाटर को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। तो डेफिनेशन समझिएगा, बाकी इसमें जो चीज है सब कुछ मैंने डेफिनेशन में बता दिया है। सतह पे जब किसी भी प्रक्षेत्र में हमेशा जल भराव की समस्या पाई जाती है तब स्थायी नालियों का निर्माण किया जाता है, और जब किसी भी प्रक्षेत्र में अचानक से जल भराव की स्थिति पाई जाती है तो वहां पे अस्थायी नाली का निर्माण किया जाता है। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 3, जिसे कहते हैं कट ऑफ। जिसे क्या कहते हैं? कट ऑफ।
जैसे देखना ये नहर है, ये क्या है नहर। तो नहर में क्या रहता है, नहर में जो पानी रहता है वो खेत में सीपेज के थ्रू आ जाता है। सीपेज मतलब रिसाव के द्वारा, किसके द्वारा जाता है, रिसाव के द्वारा। तो हम इस नहर और खेत के बीच में क्या करते हैं, 60 to 90 सेंटीमीटर, 60 से 90 सेंटीमीटर ऐसे नाली तैयार करते हैं जिससे सीपेज का पानी इस ड्रेनेज ड्रेन्स पे आता है और फिर से इसे नहर में क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं। ठीक, तो खेत और नहर के बीच में 60 से 90 सेंटीमीटर ड्रेनेज ड्रेन्स तैयार करते हैं, फिर जो रिसाव के द्वारा सीपेज के थ्रू जो पानी आता है उसको आसानी से रोका जा सकता है। अरे भैया यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पीएटी एग्जाम में भी बनता है, नहर नहर समीपवर्ती क्षेत्रों में, नहर समीपवर्ती क्षेत्रों में जल निकास की किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो नहर समीपवर्ती क्षेत्रों में जल निकास की किस विधि का प्रयोग किया जाता है, कट ऑफ, कट ऑफ मेथड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अधोसतह जिसे कहते हैं सब सरफेस। मैंने यहां पर बताया कि जिस स्थान पर भूमि का ढलान 1.5% से अधिक होता है वहां पे सब सरफेस ड्रेनेज मेथड का यूज किया जाता है। इसमें जल निकास नालियों की गहराई रखा जाता है 60 से 90 सेंटीमीटर। सबसे फर्स्ट आता है टाइल ड्रेन्स, ये क्वेश्चन भी पीएटी एग्जाम में आ चुका है। टाइल ड्रेन्स जल निकास की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सा है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है बेटा कि जल निकास की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सा है। तो जल निकास का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, टाइल ड्रेन्स। टाइल ड्रेन्स में क्या करते हैं, टाइल ड्रेन्स होता है खपरेल, खपरेल आप सभी जानते होंगे। इसमें क्या करते हैं, 30 से 35 सेंटीमीटर लंबाई में लॉन्ग और 7 से 10 सेंटीमीटर व्यास के खपरेल का प्रयोग किया जाता है। टाइल ड्रेन्स में क्या करते हैं, जो टाइल होता है, जो खपरेल का आकार कितना होता है, 30 से 35 सेंटीमीटर उसका लंबाई होता है और 7 से 10 सेंटीमीटर व्यास वाले खपरेल को 60 से 90 सेंटीमीटर की गहराई पर भूमि में क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। क्लियर हुआ, ओके। स्टोन ड्रेन्स की बात करें तो स्टोन ड्रेन्स में क्वेश्चन क्या बनेगा, इस विधि में छोटे छोटे वी आकार के पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। मतलब स्टोन ड्रेन्स में पत्थर का यूज करेंगे, मतलब जल निकास नाली में जब स्टोन का यूज करते हैं, पत्थरों का यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्टोन ड्रेन्स करते हैं। तो जल निकास की इस विधि में छोटे छोटे पत्थरों से वी आकार का भूमिगत जल निकास नालियों का निर्माण किया जाता है। थर्ड पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोल्ड ड्रेन्स। मोल्ड ड्रेन्स एक मिट्टी पलट हल के द्वारा तैयार किया जाता है जिसे हम कहते हैं एमवी प्लॉग। क्या कहते हैं, एमवी प्लॉग। तो पीएटी एग्जाम में भी क्वेश्चन आया बेटा कि भूमिगत जल निकास की वह कौन सा विधि है जिसे एक हल के द्वारा, एक प्लॉग के द्वारा तैयार किया जाता है, उसका नाम क्या है, मोल्ड ड्रेन्स। यह विधि मिट्टी पलट हल एमवी प्लॉग के द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन यहां पे एक और बनता है, यह विधि सैंडी सॉइल रेतीली मृदा के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। मतलब दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल, यह विधि बलुई मृदा, रेतीली मृदा के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। क्या होता है, जब सैंडी सॉइल पे हम मोल्ड ड्रेन्स का निर्माण करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही पानी भरता है उस फील्ड पे रेत जमीन पे क्या हो जाता है, बैठ जाता है, जिससे नाली बंद हो जाता है। क्लियर, पोल ड्रेन्स की बात करें तो पोल ड्रेन्स में क्या होता है, इसमें जो जल निकास है, जल निकास की नाली हमेशा लकड़ी के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है, लकड़ी के द्वारा तैयार किया जाता है। बाकी आप 60 से 90 सेंटीमीटर की गहराई पर उसे दबाया जाता है। ये पॉइंट, ये बेसिक पॉइंट, ये सभी पॉइंट आप जाकर लिख सकते हैं। पाइप ड्रेन्स की बात करें तो इसमें सीमेंट व कंक्रीट की पाइप का प्रयोग किया जाता है। तो सीमेंट के पाइप का व्यास पूछता है, इस विधि में 10 सेंटीमीटर व्यास वाले सीमेंट कंक्रीट पाइप का प्रयोग किया जाता है। मतलब डायमीटर ऑफ पाइप लाइंस, तो यदि डायमीटर पूछेंगे कितना सेंटीमीटर आंसर करना है, 10 सेंटीमीटर। एक बार आपको रिवाइज करना चाहूंगा कि जब मतलब टाइल ड्रेन्स की बात करें, टाइल ड्रेन्स में जब खपरेल से किसी भी जल निकास नालियों का निर्माण किया जाता है तो उसे कहते हैं टाइल ड्रेन्स। जब छोटे छोटे पत्थरों के माध्यम से जब किसी भी जल निकास नालियों का निर्माण किया जाता है तो कहते हैं उसे स्टोन ड्रेन्स।
जब किसी हल के द्वारा एक जल निकास नालियों का निर्माण किया जाता है तब उसे कहते हैं मोल्ड्रेंस, जब किसी लकड़ी के द्वारा किसी भी जल निकास नालियों का निर्माण किया जाता है तो उसे कहते हैं पोल्ड्रेंस, और सीमेंट के कंक्रीट का 10 सेंटीमीटर व्यास के पाइपलाइन का यूज करते हैं तो उसे कहते हैं क्या पाइपलाइन्स। क्लियर हुआ, ये रहा मेथड्स ऑफ ड्रेनेज। लास्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे जो 12th एग्जाम पे और 36th पीएटी एग्जाम पे पूछा जाता है जिसे हम कहते हैं जल निकास गुणांक और इंग्लिश में इसे कहते हैं ड्रेनेज कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? ड्रेनेज कोफिशिएंट, जल निकास गुणांक। इसमें समझेंगे हम जैसे क्या है खेत है, इस खेत में क्या है एक्सेस वाटर है, हम पढ़ रहे हैं ड्रेनेज कोफिशिएंट डीसी। तो क्या होता है इस खेत में बहुत ही ज्यादा अतिरिक्त जल भरा हुआ है, बहुत रेनफॉल वर्षा के दिनों में बहुत ज्यादा पानी गिरने की वजह से वहां पे पानी क्या है भरा हुआ। तो इस एक्सेस वाटर को एक दिन की अवधि मतलब यदि आवर्स की बात करेंगे कितना घंटा होगा 24 घंटा होगा। इस 24 घंटे की अवधि के दौरान उस प्रक्षेत्र से आप उस खेत से जितनी सेंटीमीटर पानी की मात्रा को बाहर निकाला जाता है। डेफिनेशन तैयार करें, जब किसी भी प्रक्षेत्र से 24 घंटे की अवधि के दौरान जितनी सेंटीमीटर पानी की मात्रा को बाहर निकाला जाता है उसे उस प्रक्षेत्र का ड्रेनेज कोएफिशिएंट या फिर जल निकास गुणांक कहते हैं। पीएटी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जल निकास गुणांक का यूनिट क्या होता है, तो जल निकास गुणांक का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर या फिर इंच। जो जितने सेंटीमीटर पानी को 24 घंटे की अवधि के दौरान खेतों से बाहर निकाला जाता है उसे उस क्षेत्र का जल निकास गुणांक कहते हैं। क्लियर, यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि जल निकास गुणांक का औसत रेंज कितना होता है तो द रेंज ऑफ ड्रेनेज कोएफिशिएंट, तो जल निकास गुणांक का औसत रेंज होता है 0.6 to 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर, ये क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक और क्वेश्चन जो आरयूआरएचओ में पूछा गया था कैचमेंट एरिया, कौन सा कैचमेंट एरिया जहां पे बरसात का पानी एक जगह जाकर स्टोर हो जाता है उस रीजन को या उस पार्ट को हम क्या कहते हैं कैचमेंट एरिया कहते हैं। क्लियर, तो ये रहा ड्रेनेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है और ज्यादातर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ पीएटी एग्जाम में यहां से जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर, तो ऐसे ही एक नए वीडियो लेक्चर देखने के लिए या फिर नए कंसेप्ट के साथ किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ाई करने वाले उन विद्यार्थियों तक यह वीडियो पहुंच सके। ओके, थैंक यू।